एवरीवन, बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्योंकि तबीयत बहुत खराब थी। सच बोलूँ तो बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर आज मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये मेरा बर्थडे मंथ है और मैंने सोचा क्यों ना अपने बारे में सब कुछ बताया जाए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी 2 साल की लाइफ जर्नी पर। अपनी सीट बेल्ट बांध लो और आप एक हैरानी और रोचक से भरे सफर पर जाने को तैयार हो। सो स्टार्ट। 21 सितंबर 2019 को मेरा जन्म हुआ। पापा मुझको देखकर रो रहे थे, खुशी से या दुख से मुझे नहीं समझ आया। मुझको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ऑक्सीजन लगाया गया। मुझे नहीं पता माँ कहाँ है, माँ को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अजीब सी कहानी है ना। 17 दिन हॉस्पिटल में रहने के साथ बहुत सारे टेस्ट ट्रीटमेंट के बाद पता चला मुझे पटाऊ सिंड्रोम है, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, कोई होप नहीं है। पटाऊ सिंड्रोम के बच्चे 1 साल से भी ज़्यादा नहीं सरवाइव कर पाते। ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। 17 दिनों के बाद घर आई विद ऑक्सीजन सिलेंडर एंड विदाउट होप। ऑक्सीजन सिलेंडर तो 2 दिन में ही हट गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, बहुत परेशानियाँ थी और हैरानी से भरे दिन थे। मेरा ऑफिशियली नाम शौरिका तो मेरे पैदा होने से पहले ही रख दिया गया था, पर निकनेम 4 महीने बाद रखा गया, लड्डू। जन्म से 2 महीने बाद ही मुझे आंखों के इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर, दिन रात कभी भी जाना पड़ता था। 2 दिन के लिए एडमिट भी हुई, फिर घर पर रहकर ही ठीक हो गई। मुझे अपना क्रेडल बहुत पसंद था और सच बोलूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा घूमती थी। मैं बड़ी हो रही थी और मम्मी पापा को टेंशन भी हो रही थी कि आगे क्या होने वाला है। जून में एक बार फिर मुझे हाई फीवर हो गया, साथ ही लूज मोशन भी। डॉक्टर ने एडवाइस की कि एडमिट कर दो, पर मॉम डैड घर ले आए। एक्चुअल में मेरे शरीर में ना बाहर की कमी हो रही थी। कोविड की वजह से मैं बाहर ही नहीं जा पा रही थी। लॉकडाउन और कोविड बहुत दिमाग ख़राब होता है। बस थोड़ा सा बाहर घूमी और 2 दिन में बिल्कुल ठीक। सितंबर में मेरा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, पर कोविड की वजह से मस्त पार्टी नहीं हो पाई। मैं पूरे 1 साल की हो गई थी, पर मैं वो सब कुछ नहीं कर पाती थी जो 1 साल के बच्चे कर लेते हैं। बर्थडे गिफ्ट में मुझे प्रेम मिला और मैंने अपने क्रेडल को बाय बाय कह दिया। अब मैं थोड़ी सी शरारती हो रही थी, कोविड केस कम हो गए थे, ठंड आ गई थी और मुझको पूरा दिन बाहर घूमना था। पूरी सर्दी में दिन भर बाहर घूमती थी। हल्की सी गर्मी स्टार्ट हुई और फिर से आ गया कोरोना और लॉकडाउन। मुझको हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए ले जाया जा रहा था। अब सब एक आशा की किरण ढूंढ रहे थे। मुझको जेनेटिक डिपार्टमेंट में इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, पर एक बार फिर से मैं बीमार पड़ गई। मुझको वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे थे। एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर से सब होपलेस थे। पर वो कहते हैं ना कि नसीब नसीब की बात है। जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो कोई नहीं कह सकता था कि मैं बच सकती हूँ। कुछ दिन घर वालों को बहुत रुलाया, परेशान किया और फिर ठीक हो गई। आप लोगों के सामने हूँ। अब मेरा पूरा ध्यान शैतानी करने में और बाहर घूमने में रहता है। बर्थडे की प्रिपरेशंस चल रही है। ये सब था मेरे बारे में जो अब तक हुआ 2 सालों में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।